हेलो एवरीवन, हैप्पी और हेल्दी लाइफ हर किसी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन खुश रहने के मामले में हमारा देश बहुत ही ज़्यादा पीछे है, इवन पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 के हिसाब से इंडिया का रैंकिंग है 139 आउट ऑफ 149 कंट्री, वहीं लास्ट ईयर इंडिया का रैंकिंग था 144 आउट ऑफ 156 कंट्रीज। आप खुद समझ लो, आखिरी में है हम, मतलब हमारा देश बस दुखियों से भरा हुआ है और हमारे देश के नेता मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। चलिए समझते हैं भारत के दुखी होने का कारण और फिनलैंड सबसे ज़्यादा सुखी देश क्यों है। आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वर्ल्ड हैप्पीनेस को लेके हर साल रिपोर्ट पब्लिश होता है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। पूरा डेटा कलेक्ट किया जाता है गैलप वर्ल्ड पोल के द्वारा, जिसमें हर देश के पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ के लोगों को एक सीढ़ी बना हुआ इमेज दिखाया जाता है, जिसमें सबसे नीचे का सीढ़ी 0 होता है और सबसे ऊपर वाला 10 नंबर का। 0 का मतलब है सबसे खराब और 10 नंबर का मतलब सबसे अच्छा। लोग अपने हिसाब से उस पर टिक कर देते हैं। 6 फैक्टर पे पूरे रिपोर्ट बनाया जाता है। GDP पर कैपिटा कितना है उस देश का, सोशल सपोर्ट कितना मिल रहा है वहाँ के लोगों को उसके फैमिली और फ्रेंड्स के द्वारा, वहाँ के लोगों का फ्रीडम कितना है, कितना आज़ाद है वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना ज़्यादा है, वहाँ के लोग कितने उदार हैं, एक दूसरे को कितना ज़्यादा हेल्पिंग है, एक दूसरे का कितना समझते हैं, ये सब भी पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है। और उस देश का करप्शन लेवल क्या है ये भी ध्यान में रखा जाता है। इस साल का डेटा कोविड के आधार पर मेनली फोकस था, क्योंकि पूरा साल कोविड ने ही सबको परेशान किया है सबसे ज़्यादा। लोगों के पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन के लेके भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉजिटिव इमोशन के लिए यह पूछा जाता है, क्या आप बहुत ज़्यादा स्माइल या बहुत ज़्यादा हंसे थे प्रीवियस डे में। यस कहने वाले को 1 कोट किया जाता है और नो कहने वाले को 0। बाद में एवरेज रिस्पॉन्स कैलकुलेट किया जाता है पूरे देश का, जो वेरी करता है 0 से 1 के बीच। उसी तरह नेगेटिव इमोशन को भी काउंट किया जाता है ये पूछ के कि क्या आप उस दिन बहुत ज़्यादा दुखी फील किए थे। भारत के गिरते रिपोर्ट में 2-3 फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ की बेरोज़गारी, यहाँ का करप्शन और यहाँ के सिस्टम पे लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होते जाना, उसके साथ भारत के लोगों में एक दूसरे की हेल्प करने की भावना में बहुत ज़्यादा कमी है। फिनलैंड लगातार टॉप पे बना हुआ है सालों से, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उस पर बात करता हूँ। एक छोटा सा यूरोपियन देश जिसकी टोटल पॉपुलेशन 55 लाख के करीब है, फिनलैंड ना कोई बड़ा मिलिट्री पावर है और ना वैश्विक मंच पे फिनलैंड का बहुत ज़्यादा कुछ चलता है, लेकिन फिर भी दुनिया के सारे बड़े और ताकतवर देश को इस छोटे और ब्यूटीफुल कंट्री से बहुत कुछ सीखना चाहिए। दुनिया भर के नेशनल और इंटरनेशनल बॉडी द्वारा फिनलैंड की बहुत ही ज़्यादा तारीफ की जाती है, उसके वेलफेयर बेनिफिट्स को लेके, वहाँ के लो लेवल ऑफ करप्शन को लेके, वहाँ का वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी को लेके और वहाँ के लोगों का आज़ाद जीवन जीने की छूट को लेके। यह कंट्री इसलिए भी फेमस है क्योंकि फिनलैंड वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसने फ्लैट वर्किंग मॉडल अपनाया था। यह एक बिजनेस मॉडल है जिसमें बताया जाता है कि कैसे बिजनेस चलना चाहिए और कैसे एम्प्लॉय को ट्रीट करना चाहिए वर्क टाइम पे। इस मॉडल में सबसे खास यह है कि इसमें स्टाफ और एग्जीक्यूटिव के बीच कम या फिर ना के बराबर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, जिससे स्टाफ को यह फायदा है कि वो डायरेक्ट टॉप एग्जीक्यूटिव के कॉन्टैक्ट में रहता है और स्टाफ को ज़्यादा मौका मिलता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी, जिससे स्टाफ लोग ज़्यादा खुश रहते हैं और इसके वजह से कंपनी का प्रोडक्शन भी बढ़ता है और बेटर कोऑर्डिनेशन भी होता है। फिनलैंड गवर्नमेंट ने वादा किया है कि वो पूरे देश में जेंडर पे गैप को ख़त्म कर देगा, जिसका मतलब है आदमी हो या औरत सबको समान वेतन मिलेगा, उसके साथ हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा। एक कमाल का बात बताता हूँ आपको फिनलैंड के बारे में, यह डेवलप कंट्री में एकलौता ऐसा देश है जहाँ स्कूल में पढ़ने वाले उम्र के बच्चे के साथ पापा ज़्यादा समय बिताते हैं माँ के कंपेयर में। फिनलैंड शुरू से इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ता रहा है ताकि देश में किसी के साथ भेदभाव ना हो। एक और कमाल का बात, फिनलैंड के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने पुलिस पर विश्वास करते हैं। बहुत सारी चीज़ें फिनलैंड के बारे में बताने को, हमारे ऐसे देश को सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है इस छोटे देश से। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।